वेलकम टू अनास किचन। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गुलाब की पत्तियाँ, हम इनसे कोई खाने की डिश नहीं बनाएंगे। ये आज हम इनसे गुलाब जल बनाने वाले हैं घर पर, बहुत ही आसानी से, जो कि एकदम ओरिजिनल बनेगा हमारा, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। और इसके लिए ये मैंने, देखिए, 2 बड़े ग्लास के करीब, कम से कम ये 1.25 लीटर पानी होगा, ये एक मैंने बर्तन में कर लिया है। और इसको अब मैं गैस पे रख दूँगी। और ये देखिए, अब इसमें पानी में उबाल आ चुका है। और ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, और इनको थोड़ा सा दबा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर ही तैर रही हैं, पानी हमारा बहुत ही गर्म है। और बस हमें ये 2-3 मिनट के लिए इसमें उबाल लगा लेना है। और ये देखिए, इनका कलर निकल रहा है, और अभी ये इसमें कलर नहीं आया है। और इसमें अब उबाल अच्छे से आना शुरू हो गया है, और इसको हम इसी तरह 2-3 मिनट तक उबाल आने देंगे, जिससे कि इन पत्तियों का कलर अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए, ये उबाल मैंने वो बंद कर दी थी गैस, और अब ये इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद एक अलग बर्तन में इसका पानी निकाल लूँगी। और अभी ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, और बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये। और अब देखिए, ये कितना कलरफुल लग रहा है। अब इसको हम एक शीशी में भर लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा बन चुका है ये, और इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं ब्यूटी के लिए। और एकदम से ये एकदम शुद्ध और घर का बना हुआ है, और बाज़ार से बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही फूलों में ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसको फेस पैक में मिलाकर या मसाज क्रीम में मिलाकर लगाइए, यूज़ कीजिए,